अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कवाली विल नेवर स्टॉप के एपिसोड 3 के साथ आज हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरे शहर में पूरे मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन की फ़जा में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग घर में हैं तो घर में भी परेशान ना हो, घर में भी आप लोग अकेला फील ना करें, इसलिए आज हम लोग लॉकडाउन में भी ऑनलाइन हुए हैं इसी यकीन के साथ कि कवाली विल नेवर स्टॉप। तो हमारे जो आज के हमारे मेहमान, आज हमने थोड़ा सा आपके लिए चेंज किया, आज एक मेहमान को हमने मधु किया है और वो मेहमान हमारे साथ आज की महफिल में शरीक है। ये बहुत माशाल्लाह मशहूर कवाल जनाब अब्दुल अकरम कवाल, इनका माशाल्लाह अपना एक ग्रुप है हमजा अकरम कवाल, उस ग्रुप के बेहतरीन मेंबर और एक अच्छे कवाल, एक अच्छा ह्यूमन। जब मैंने इनसे अपना ये कंसेप्ट शेयर किया कि भाई जो लोग घर में बैठे हुए हैं बेचारे वो अकेला फील ना करें, तो हम भी उनके साथ मिलकर थोड़ा सा इस लॉकडाउन को बांटें, लेकिन हमारा हम सब का आपको एक पैगाम है कि प्लीज़ 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 अपने अपने घरों पे रहिए, अपने अपने घरों पे रहिए, क्योंकि वो आपके लिए हमारे लिए सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी, ठीक है, आज की महफिल का आगाज हम अब्दुल अकरम के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ झोला के ऊपर जनाब दाऊद खान मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस महफिल का आगाज़ करते हैं। वैसे इस महफिल के अंदर हमारे साथ और लोग भी शामिल होंगे वक्तन फ़ौरतन इंशाल्लाह ताला। तो आज से इब्तिदा कर रहे हैं अब्दुल अकरम साहब, आपकी जो भी फरमाइशें हों वो प्लीज़ हमको बताते रहिए, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि फर्दन फर्दन आप लोगों की फरमाइशें पूरी करते रहें। ठीक है, हमारा कैमरा हिल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा परेशान नहीं होइएगा, आवाज़ नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब्दुल अकरम आ
Thank you.
मुख्तलिफ लोगों ने ज्वाइन करें। अभी हमने ज्वाइन किया है जनाब अबू तराब साहब ने और हमारी इस महफिल को माशाल्लाह 4 साल बच्चे, तो इंशाल्लाह ताला और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। तो अभी आप लोग मुझे पूछते हैं आगे क्या है। अच्छा, आप हमें बताते रहिए अगर किसी की कोई फरमाइश आती है या कुछ आती है, ताकि हम लोग भी कनेक्ट रहे हम लोगों से। उस्मान सुल्तानी साहब बोल रहे हैं मारा बगमजा कुश्त, आतिर हुसैन भी देख रहे हैं, क्या बात है, और कोई मुनीर रजा है, चलो चलो लोग देख रहे हैं, उन सबको वेलकम है। आतिर हुसैन ने बोला हुस्ने मली है खुद। अरे क्या बात है, क्या बात है, जरूर आतिर और उस्मान भाई और आतिर भाई आप सब लोग हमारी पूरी करेंगे, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा इंशाल्लाह ताला, हम लोग आपके साथ चल रहे हैं। जी अब्दुल फर्दर आप क्या सुनाएं, क्या बात है, और ये नसीब में
मेरा भतीजा जनाब तुराब अली
हमको ज्वाइन किया है। क्या Oh,
नाम से हमारे भाई दुरुस सगरानी जावेद हसन पीर वाला से सैफुद्दीन वो तो हमारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद वजी हुसैन निजामी तो आप सब लोगों को वेलकम है हमारे इस प्यारी इस महफिल में जी Thank you.
सब लोगों का खुश आमदी। मैं वक्तन फ़ौक्तन आप लोगों के क्या बोलते हैं महफिल पढ़ रहा और आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हम थोड़ा कलामों में इख्तसार से काम इसलिए ले रहे हैं कि अगर तवील कलाम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, तो ज़्यादा से कम वक्त में कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ रेयर, कुछ कम सुना, कुछ अनसुना आपको पेश करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज्वाइन किया मुईज़ खान, अरफात फारूक, जावेद हसनी, बहुत सारे हमारे लोग हैं, इतने सारे सुभानअल्लाह। हमारे ध्रुव भाई कह रहे हैं सुभानअल्लाह, जावेद सुभानअल्लाह कह रहे हैं, जमील अहमद कह रहे हैं खबर तहय्युर इश्क़ सुन ना जुनू रहा ना परी रही। तो हम अपने अब्दुल मोहम्मद भाई और जनाब दाऊद खान से कहेंगे, अभी हमारे और भाई आए हैं तो हम उनसे कह रहे हैं जनाब तैमूर खान, तैमूर अकरम, उनसे कह रहे हैं कि वो भी ज्वाइन करें इस खबर तहय्युर इश्क़ सुन में। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ आए। आइए आइए
सोशल डिस्टेंस जैसा आप दिल करो, जैसा आपका दिल चाहे, कुछ आला आपके जहन में वो thank you.
चैन तुमसे करार तुमसे तुमसे है।
सालों में खैर वॉचिंग जमील अहमद बाबा बार उमेर साबरी नमेश बहुत आला सैयद भजी बहुत खूब शादी थैंक यू जी पीर ज़्यादा सैफुद्दीन साहब कह रहे हैं हेलो भजी सैयद अब्दुल खादरी विद यू थैंक यू सर आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा सैफुद्दीन साहब आप कह रहे हैं कि तबले में कौन है तो उनकी सूरत तो दिखाई ये आप लोगों की मोहब्बत है सब मेरे भांजे भतीजे हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छा बन गया किस्म का तो आगे चलते हैं कुछ फर्दर कुछ नया कुछ डिफरेंट कुछ अनसुना अब थोड़ा सा हम अब्दुल अहमद हैं अपने तैमूर हैं दाऊद हैं इनसे हम कहेंगे कुछ ऐसा अनसुना या फिर कम सुना इस महफिल को रखने का असल मकसद यही है कि हम कुछ वो सुने कुछ अनसुना सुने या कुछ नायाब सुने तो ऐसे कुछ अगर याद हो तो डेफिनेटली हम सुनेंगे इन लोगों से जी अब्दुल अहमद तैमूर खान दाऊद खान भाई ये रैंडमली है असल में ये सोच में विचार इसलिए है हम लोग कुछ भी प्लान करके नहीं बैठे हैं कुछ भी आपको सुनना वो सुनिए और
दिल कर रहा था कि थोड़ा सा और चलें, थोड़ा सा और करें, बट इख्तसार किसी काम लेना पड़ रहा है, कलामों में भी और बातों में भी। मगर बहुत शुक्रिया कि कव्वाली विल नेवर स्टॉप के इस एपिसोड में हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे लोग। एक आखिरी कलाम, अच्छा इंटरव्यू के लंबे से पहले थोड़ा सा माशाल्लाह सब फनकार हैं, शुक्रिया मोहब्बत आसिम अहमद, माशाल्लाह सब लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग ने हमको ज्वाइन किया और जितने लोगों ने कमेंट्स दिए, उन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया। और इस यकीन के साथ कि आप लोग इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन प्लीज़ 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 अपने हाथों को साफ रखिए, अपने घर में स्टे कीजिए, अपने घर में रहिए, क्योंकि इस वक्त ये आलमी मसला हो गया, पूरा आलम इससे मुतासर हो गया। कव्वाली आपके घर पहुँचती रहेगी, इसी तरह पहुँचती रहेगी, और भी तरह पहुँचती रहेगी, लेकिन आपके घर पहुँचती रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग बड़ा मेहरबानी अपने घरों से ना निकले, क्योंकि आप लोगों का सेफ होना सब लोगों का सेफ होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी कलाम की फरमाइश करिए अपने अच्छे फनकारों से, ये आखिरी कलाम कोई पढ़ें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया जो करें। प्लीज़ बहुत शुक्रिया, फिर अमान अल्लाह, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल इस वक्त।